दुनिया में आज देखिए, कश्मीर पर ट्रंप के बयान पर पाकिस्तान में क्या है प्रतिक्रिया। कश्मीर पर ट्रंप के बयान पर छिड़ा विवाद, पर असल में इमरान खान को अमेरिका से क्या हुआ हासिल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के अलावा कार्यक्रम में आज बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री टेरेसा मे कल देंगी इस्तीफा। खाड़ी में जारी तनाव के बीच ईरान ने दिया संदेश, कहा युद्ध नहीं चाहता ईरान, पकड़े गए क्रू मेंबर को लेकर बड़ी चिंता। मिलेगा उस शख्स से जिसने सबसे पहले देखा था सीमा पार कर करगिल की पहाड़ियों पर आते चरमपंथी। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। कार्यक्रम की शुरुआत कश्मीर पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर छिड़े विवाद की खबर से। अमरीका के दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 2 हफ्ते पहले ही उनकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई थी और तब खुद मोदी ने ही उन्हें मध्यस्थ बनने का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप के इस बयान पर भारत में सियासी हड़कंप मच गया और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर देश के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने भी तुरंत ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर ट्रंप के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों का यह नया दौर है। वैसे ट्रंप के बयान को लेकर पाकिस्तान में क्या है सियासी माहौल और इस बयान के क्या है मायने, अब से थोड़ी देर पहले बताया इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने। पिछले कुछ साल से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में बहुत मुश्किलें थीं, मिस्ट्रस्ट था और ख़ास तौर पे वाशिंगटन ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो कोशिश कर सकता है वो नहीं कर रहा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान जो पर्सनल केमिस्ट्री थी वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। दोनों लीडर्स नवंबर 2018 में एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त ट्वीट्स कर चुके हैं जिसमें उन्होंने एक दूसरे के मुल्कों की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। तो जब ये मुलाकात हो रही थी एक बहुत ही कॉशियस एनवायरनमेंट थी दोनों तरफ से, लेकिन कल की मुलाकात के बाद माहौल जो है वो बिल्कुल बदल गया है। बहुत ज़्यादा होप जनरेट हुई है, पॉजिटिविटी है और लगता ऐसा है कि दोनों मुल्क जो बहुत ही मुश्किल मुद्दे हैं, डिफ़िकल्ट इशूज़ पर एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कश्मीर पे मीडिएशन की जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है उसको लेके पाकिस्तान में बहुत खुशी है और एक तरह से अमेरिका के सदर का ये कहना पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की विंडिकेशन है। और आइए सुनाते हैं इमरान खान से मुलाकात के दौरान कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. Long. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. हालांकि भारत ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में क्या जवाब दिया। मैं सदन को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसा कोई अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति से नहीं किया था। मैं साथ ही ये भी दोहराना चाहूंगा कि भारत का ये रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाएगा और बातचीत तभी शुरू होगी जब सीमा पार से आतंकवाद बंद होगा। Would require an end to cross-border terrorism. भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इमरान खान का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि इमरान अपनी इन स्विंग डिप्लोमेसी से शायद ट्रंप का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं और अरबों डॉलर की उस आर्थिक मदद को फिर से बहाल करने में भी कामयाब हो पाएं जो ट्रंप ने तकरीबन 1 साल पहले रोक दी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। We are going to, that's right, we were paying $1.3 billion to Pakistan as aid, working up for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were
really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. And I tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan right now than we did when we were paying that money. बहरहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पहली अमरीकी यात्रा के दौरान डॉलर लाने में भले ही कामयाब ना हुए हों, लेकिन ऐसे मुद्दे को फिर से चर्चा में लाने में कामयाब हुए जो भारत और पाकिस्तान दोनों की सियासत में पिछले 70 साल से अहमियत बनाए हुए हैं। और अब खबर ब्रिटेन से। बोरिस जॉनसन होंगे नए ब्रिटानी प्रधानमंत्री। थोड़ी देर पहले उन्हें सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुन लिया गया है। उनके और मौजूदा विदेश मंत्री जेरेमी हंट के बीच प्रधानमंत्री पद की रेस चल रही थी। कल मौजूदा प्रधानमंत्री टेरेसा मे औपचारिक तौर पर अपना पद छोड़ देंगी और जॉनसन पीएम की कुर्सी संभाल लेंगे। आइए एक नजर डालते हैं बोरिस जॉनसन के अब तक के राजनीतिक करियर पर। ब्रिटानी राजनीति का एक जाना माना चेहरा, लगभग सेलिब्रिटी जैसी हैसियत रखने वाले बोरिस जॉनसन, वो शख्स जिसने राजनीति के परंपरागत नियमों को चुनौती दी। पत्रकार, सांसद, मेयर और विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर। He puts people at ease. वो लोगों को सहज महसूस कराते हैं। उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद है। शायद यही उनके आकर्षण का राज है। लेकिन इसके पीछे एक तेज दिमाग और मेहनती शख्स भी छिपा है। एक ऐसा शख्स जिसे ना सुनना पसंद नहीं है। वो 20वें ब्रिटानी प्रधानमंत्री हैं जो ईटन स्कूल से पढ़े हैं। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर पत्रकारिता में भी कूदे। उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। पहले सांसद बने, फिर लंदन के मेयर भी रहे। बीच बीच में वो कई बार विवादों में भी पड़े, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा ही हुआ। उनके समर्थक दावा करते हैं कि जॉनसन का स्टाइल फील गुड माहौल देने वाला है, लेकिन हाल के सालों में अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी वो मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। शादी के बाद भी उनके कई महिलाओं से संबंध रहे। पिछले साल वो अपनी पत्नी से अलग हो गए। राजनीतिक जीवन में भी उनके कम विवाद नहीं रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि वो लापरवाह हैं। उन पर विश्वास करना मुश्किल है। उनसे जो उम्मीदें थी, उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने हमेशा देश से ज्यादा अपने आप को तरजीह दी है। जब वो विदेश मंत्री थे, तब भी इन्हीं वजहों से उनकी आलोचना होती थी। लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि उनका अलग व्यक्तित्व ही उन्हें आकर्षक बनाता है। कंजर्वेटिव पार्टी के कई लोगों को लगता है कि वो कई मसले सुलझा सकते हैं। ब्रेक्जिट कैंपेन के दौरान उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती थी, लेकिन ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में ही आम राय नहीं बन पाई है। ऐसे में ब्रिटेन को अच्छी तरह से चलाने के लिए उन्हें करिश्मे के अलावा भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के सद्दा संभालते ही ईरान के साथ तनाव उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन के एक टैंकर को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन मांग कर रहा है कि उसके टैंकर और चालक दल को ईरान रिहा कर दे। कल निकारागुआ के दौरे के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने बोरिस जॉनसन को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो ब्रिटानी टैंकर जब्त किया है, वो जिब्राल्टर में ईरान के टैंकर को पकड़े जाने के जवाब में नहीं था। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन को यह समझना जरूरी है कि ईरान लड़ाई नहीं चाहता है। वैसे ब्रिटेन के स्टेना एम्पेरो नाम के जिस टैंकर को ईरान ने पकड़ा है, उसके चालक दल में भारत, रूस, लातविया और फिलिपीन के नागरिक शामिल हैं। ईरान ने उन लोगों का फुटेज जारी किया है और कहा है कि वो सभी सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, लेकिन तनाव है। वीडियो में एक अधिकारी उन्हें कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो कैमरे की तरफ ना देखें। ताजा तनाव के बावजूद ब्रिटेन ईरान के साथ हुए परमाणु करार को बचाना चाहता है, जिससे अमरीका बाहर हो गया है। सुनते हैं इस पूरे विवाद पे हमारे रक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर का क्या कहना है। The problem for the British government is this. ब्रिटानी सरकार को खाड़ी में जहाजों की रक्षा करनी ही होगी। देखिए इस टैंकर को कैसे ईरान के तट की ओर मोड़ दिया गया। रॉयल नेवी के पास इतने जहाज नहीं कि वो अकेले वहां सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, इसलिए जरूरी है कि सभी देश मिलकर ये काम करें। ब्रिटेन अमेरिका की तरह नजर नहीं आना चाहता। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मिलिएगा करगिल के उस चश्मदीद से जिसने सबसे पहले देखा था चरमपंथियों को। और आने वाले दिनों में हो सकती है यूरोप में भीषण गर्मी। तो बहुत कुछ बाकी है बीबीसी दुनिया में।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। जम्मू कश्मीर में हुई करगिल की लड़ाई के 20 साल हो गए। साल 1999 में हुए इस युद्ध में करीब 610 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। कारगिल के गरगांव गांव में रहने वाले एक चरवाहे ने सबसे पहले सैनिकों को इस इलाके में हो रही घुसपैठ की खबर दी थी। और जब एक तरफ भारतीय सेना जंग के मोर्चे पर खड़ी थी तो दूसरी तरफ इस गांव के कई निवासी थे जो इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। सेना की मदद करने वालों के लिए सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाती है, लेकिन कारगिल के 20 साल बाद सेना की मदद करने वालों को क्या मिला? देखिए बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा की रिपोर्ट। देखो जी, अब 20 साल होने लगा, मुझे क्या मिला? मैंने अच्छी रिपोर्ट दिया था, मुझे क्या मिला? कोई नहीं मिला। मैंने खास रिपोर्ट दिया था, खुश होकर देना चाहिए था गवर्नमेंट ने, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। कारगिल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के तट पर बसा है गारकौन गांव। इसी गांव के रहने वाले हैं ताशी नामग्याल। ताशी वही शख्स हैं जिन्होंने घुसपैठियों की सूचना भारतीय सेना को दी थी। बात 1999 की है। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। बकरियां चराने वाले ताशी हमें उसी जगह पर लेकर गए जहां से उन्होंने घुसपैठियों को देखा था। उन्होंने बताया कि उनका याक कहीं खो गया था और वो उसे ढूंढ रहे थे। ये थारू मेंजिस हमारा गांव, मैं इसी नाले में गया था, इसी नाले को ऊपर ढूंढते ढूंढते गया तो जब मैं ऊपर एक बकरी रखने की जगह बरारू बोलते हैं, एक खा बरारू एक जा बरारू, खा बरारू में पहुंचते हुए तो मैं ऊपर जो मेरे पीछे एक टॉप नजर आता है बड़ा वाला, वो थारू बोलता है, थारू को नाम जो टॉप, वहाँ से कोई रास्ता का कोई बराब में का बीच में कोई रास्ता जैसा नजर आया तो मैं बाएं साइड में देखते देखते आता हूँ, इस जगह में एक बंजू टॉप है, वहाँ कोई छह बंदे नजर आया मेरे को, पत्थर ढूंढ रहा था, बर्फ भर रहा था। ताशी को इस सूचना के बदले में कई सर्टिफिकेट मिले, लेकिन वो पूछते हैं कि वो इनका क्या करेंगे। बहुत सर्टिफिकेट मिला हुआ है मेरे को, जूसी से देखी, ब्रिगेड से देखी, कमांडिंग सीओ से देखी, कोई काम में नहीं आया मेरे को, कागजात पड़ा हुआ है। केवल ताशी ही नहीं, गांव के बाकी रहने वाले भी यही मानते हैं कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए काफी कुछ किया, लेकिन बदले में किसी ने इनकी सुध नहीं ली, ना तो उनकी हालत सुधरी और ना ही गांव की। जेंस भी था सर, एक घर का दो दो तीन तीन बंदा गया, फिर हमारे बच्चे सब उसी साल बेकार हो गए, फिर पढ़ाई के टाइम में भी हमारा स्कूल भी बंद हुआ सर, फिर लड़ाई में हम लोग को जमीन भी पूरा खराब किया नाले से गांव तक। कि इस गांव को कम से कम कुछ वेलफेयर तो स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल तो छोड़ो, हमारे यहाँ तक कम्युनिकेशन नहीं है अभी तक। कारगिल के गरकौन के लोग फख्र महसूस करते हैं कि दुश्मन को खदेड़ बाहर करने में उनका भी योगदान रहा, पर उनकी शिकायत यह है कि उन्हें इसका इनाम नहीं मिला। हालांकि 20 साल बाद आज भी उनकी उम्मीद बरकरार है। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी गरकौन, कारगिल। इस मुद्दे पर श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया कहते हैं कि सेना की मदद करने के लिए गरगांव में सोलर लाइट्स लगाने और स्कूल में कंप्यूटर देने जैसे विकास कार्य किए गए। कारगिल के डिप्टी कमिश्नर बशीर उल हक चौधरी का कहना है कि 15 अगस्त के मौके पर सरकार ताशी नामग्याल समेत दूसरे गांव वालों को सम्मानित करने की योजना बना रही है। और भारत ने कल चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारी जुटाने के लिए रवाना किया। हमारे कार्टूनिस्ट गोपाल शून्य की नजर भी इस खबर पर पड़ी और उनकी कलम से निकला ये कार्टून। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डेनमार्क में क्यों जमा हुए एक साथ 150 सेंटा। दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के एक लड़ाकू विमान ने रूसी विमान पर गोलियां चलाई। कोरियाई वायु क्षेत्र में दो बार घुसने पर चेतावनी के तौर पर रूसी विमान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। रूसी विमान को निशाना बनाते हुए 400 राउंड्स गोलियां चलाई गईं। माना जा रहा है कि रूस का ये विमान चीन के साथ सैन्य अभ्यास का हिस्सा था। रूस ने कोरियाई वायु क्षेत्र में घुसने के आरोपों से इनकार किया है। अमरीका आज से डिपोर्टेशन यानी निर्वासन की नई प्रक्रिया शुरू कर रहा है। नए नियमों के मुताबिक जो प्रवासी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो अमेरिका में पिछले 2 सालों से रह रहे हैं, उन्हें तुरंत वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। अभी तक उन्हीं लोगों का निर्वासन होता था जो अमेरिकी सीमा के नजदीक पकड़े जाते थे और जिन्होंने अमेरिका में 2 हफ्ते से कम समय बिताया होता था। यूरोप के कई देशों में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। जहां ब्रिटेन का तापमान आने वाले दिनों में 35 डिग्री तक जा सकता है, वहीं फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। बिजली कंपनी EDF ने अपने 2 परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए हैं क्योंकि इन्हें ठंडा करने वाली नदियों का पानी बेहद गर्म है। फ्रांस के साथ साथ स्पेन के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी पड़ेगी। और इसके अलावा खबरों में है, मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी मलेरिया। इस पर एक शोध से पता चला है कि मलेरिया के मच्छरों पर दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं और मलेरिया फैलाने वाले ये परजीवी दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ये कंबोडिया से लागोस, थाईलैंड और वियतनाम पहुंच गए हैं। यहां मलेरिया से पीड़ित आधे लोगों पर प्रचलित दवाओं का असर नहीं हो रहा है। सिंगापुर में अधिकारियों ने 9,000 किलोग्राम हाथी दांत बरामद किए हैं। सिंगापुर में हाथी दांत की यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। माना जा रहा है कि इसके लिए 300 हाथियों का शिकार किया गया। इन हाथी दांत की कीमत 1,20,00,000 डॉलर आंकी जा रही है। हाथी दांत की यह खेप DR कांगो से वियतनाम ले जाई जा रही थी। फेसबुक ने माना है कि उसने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ऐप बनाया उसमें खामी थी। इसकी वजह से बच्चे अनजान लोगों के संपर्क में आए। साल 2017 में लॉन्च किए गए मैसेंजर किड्स नाम के इस ऐप को बच्चों के लिए सुरक्षित बताया गया था। इस ऐप में बच्चे अपने उन्हीं दोस्तों से बात कर सकते थे जिनकी परमिशन उनके माता पिता देते थे, पर खामी की वजह से बच्चे अनजान लोगों के संपर्क में आए। और ये हैं कोपेनहेगन में चल रही 62वीं वर्ल्ड सांता क्लॉज कांग्रेस का नजारा। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से 150 सांता क्लॉज आए। 4 दिन तक चलने वाले इस समारोह में सभी सांता क्लॉज क्रिसमस की तैयारियों के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही होंगी ओपन एयर परफॉर्मेंस, पार्टियां और होंगी सांता बाधा दौड़ भी। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।